हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए हेल्दी फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इसे खाने के बाद आपके बेबी का शारीरिक और मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही आपके बेबी को विटामिन ए सी ई भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जो बेबी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, फूड बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 2 छोटे चम्मच मैंने रेगुलर राइस ले लिए हैं और 2 छोटे चम्मच मैंने मूंग की दाल ले ली है और 1 छोटा टुकड़ा मैंने सीताफल का ले लिया है। तो दोस्तों, आज की जो फूड रेसिपी इन्हीं सामग्री से बनेगी। सबसे पहले दोस्तों, मूंग की दाल और चावल को अच्छे से वॉश करके 1 घंटे भिगोने के लिए रख देना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 1 घंटे के बाद दाल जो है इस तरीके से हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब फूड को बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गैस के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है और साथ ही में 1 छोटा चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। तो घी को अच्छे से गलने देंगे और दोस्तों, गैस की जो फ्लेम है वो आपको लो ही रखनी है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से जो है ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद इसमें दोस्तों थोड़ा सा कटा हुआ बारीक टमाटर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इस टमाटर को पीस भी सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। बस 1/2 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो टमाटर है और प्याज है अच्छे से भून चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जो 1 घंटे पहले मैंने दाल और चावल भिगो के रखी थी, उसे हम इस प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। इसको भी दोस्तों 30 सेकंड तक आपको अच्छे से भूनना है। और दोस्तों, गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30 सेकंड लगभग हो चुके हैं, दोनों चीज़ अच्छे से भून चुकी है। इसके बाद इसमें मैं कद्दूकस करा हुआ सीताफल ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में सीताफल को काट भी सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। और इसको भी दोस्तों अच्छे से 30 सेकंड तक यूँ ही भूनते रहना है। यकीन मानिए दोस्तों, बेबी के लिए काफ़ी हेल्दी फूड है। इससे आपके बेबी को विटामिन, प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में मिल जाएगा और सीताफल बेबी को बहुत ही इजी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। 30 सेकंड लगभग हो चुके हैं और तीनों चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे अच्छे से भुन चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया मसाला ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो धनिया मसाला को स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से 5 सेकंड तक और अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से दाल, चावल और सीताफल में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे होंगे, तीनों चीज़ अच्छे से भुन चुकी है, कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बस दोस्तों, आपको इसी तरीके से बेबी के लिए फूड तैयार करना है। अब 1 मीडियम साइज़ कटोरी के बराबर पानी ऐड कर लेंगे, लगभग 1 मीडियम गिलास के बराबर। बस इसके बाद दोस्तों, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और जो प्रेशर कुकर के साइड में लगा है वो भी निकल जाए। अब गैस की फ्लेम आपको मीडियम कर लेनी है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा लिया है। अब इसमें जो है मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी आने देंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो फूड है बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से दोस्तों, आपको अपने बेबी के लिए फूड को रेडी करना है। यकीन मानिए, बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे खाने के बाद आपका बेबी को 5 से 4 घंटे तक अच्छे से गहरी नींद भी आ जाएगी और आपका बेबी दिन भर में चुस्तीला फुर्तीला भी बना रहेगा। तो अब अपने बेबी को मैं फूड को खिलाना स्टार्ट करती हूँ और इस फूड को खाने से दोस्तों, आपका बेबी दिन भर में चुस्त और फुर्तीला भी बना रहेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।